भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपराह टाइम। कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव अब बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है, क्योंकि जो दो बार जीत कर आए थे जितेंद्र आवाड, उनके सामने अब शिवसेना ने दिवाली सैयद को उतारा है मैदान में, और कहीं ना कहीं अब ये मुकाबला एक कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। हमारे साथ यहाँ दीपाली सैयद मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। दीपाली जी, आप यहाँ कलवा मुमरा विधानसभा से जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो आप किस तरह से जो है अब लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं लोग आपको जानते नहीं थे, लेकिन आपका जब से नामांकन यहाँ पर हुआ है उसके बाद से शहर में एक चर्चा चल रही है, दीपाली सैयद दीपाली सैयद, तो क्या आप किस तरह से लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? आकर्षित का बात ऐसा है कि मैं जहाँ जब आज पूरा एरिया जब मैंने छान मारा है, जब जा रही हूँ, तो सब जगह एक ही चर्चा है कि हमें बदलाव चाहिए, मुझे चेंज चाहिए। जो 10 साल से हमारे साथ जो हो रहा है वो बदलाव चाहिए। हमारे पास रोज़गार नहीं है, वो रोज़गार दिला दो भाई। हमारे यहाँ पानी के प्रॉब्लम है, वो पानी के प्रॉब्लम सॉल्व करा दो। हमारे यहाँ रास्ते के प्रॉब्लम है, वो रास्ते के प्रॉब्लम सॉल्व करा दो। तो ये सारी चीज़ें सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा है जो 10 साल से नहीं हुआ है, और जिन्होंने किया है वो अपने ऊपर बता रहे कि हमने किया है, वो चीज़ों का खुलासा करना है। और मुझे लगता है कि अभी इस बार पूरा मुमरा और कलवा सब एक होने वाले हैं, और इन्हीं के हाथ में जो होना है, तो मेरा काम है, मैं उम्मीदवार हूँ, सामने वाले उम्मीदवार है, और हम दोनों एक दूसरे के सामने चल रहे हैं। बस इतना ही मुझे पता है कि जो भी होने वाला है, ये कलवा और मुमरा के सारे मेरे मतदार, मेरे भाई बहन, उनको जो चेंज चाहिए वही होने वाला है। आप चेंज की बात करें, लेकिन जो आपके सामने है जितेंद्र आवाड, उनका कहना है कि जो है वो उन्होंने आपको बहन कहा, कि मेरी बहन सिर्फ जो है 15 दिन जो है यहाँ रहना चाहती है, गाना भी उन्होंने गाया था, तो 15 दिन का मेहमान आपको बताया था, इस पर क्या कहेंगे आप? जी कैसे है ना कि जिस पक्ष से वो है उनके पक्ष से सारे लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, पलटी कर रहे हैं ना, अभी एक ही रह गए, 15 दिन के बाद वो भी जाएंगे, जो गाना है उन्हीं पे लागू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने सुना कि दीपाली सैयद ने क्या कुछ कहा है, जो जितेंद्र आवाड है यहाँ से दो बार जीत कर आए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने इन्हें 15 दिन का मेहमान बताया था, जो गाना गाया था उस गाने को लेकर अब दीपाली सैयद ने भी कहा है कि वो गाना उनके ऊपर खुद लागू होता है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रा टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।